जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, टुडे मैं अपना कुछ रिसाइकल्ड वर्क आपके लिए लेके आई हूँ। अब मैंने अपने जो जार्स हैं जो मैंने रिसाइकल किया है, ये मेरा लाइक आपका वेसलीन जार, ये मेरा हनी जार जिसको मैंने रिसाइकल करके अपना एज अ फ्रिज मैग्नेट मैंने इसको बनाया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह इसको बना सकते हो। उसको मैंने पेन होल्डर और इसमें मैंने थोड़ा सा अपना मनी प्लांट करके अपने फ्रिज को एक आपका लुक दिया है। एंड आई थिंक इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग मेरा पूरा एंटायर फ्रिज को। चलो इसकी जल्दी से क्विकली इसकी वीडियो देखते हैं। एंड आई होप यू लाइक माई वर्क। एंड इफ यू लाइक माई वर्क, यू ऑलरेडी नो आपको लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना है माई चैनल। Today I have recycled a used utility jars into a fridge magnet. So material I used, this acrylic color, magnets, Fevikwik and jar, like mere paas ye petroleum jelly ek jar tha and mera honey jar, brush. Aur ab hum quickly apna video देखते हैं कैसे हमने बनाया। एंड ईजी एंड फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो ये DIY लेके आती हूँ, सीरियसली इट्स वेरी सिंपल, यू ऑल कैन डू इट ईजली। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना जो मेरा जार है आपके पेट्रोलियम जेली का और हनी का, इसको मैं बेस कोट करूँगी इस पर आपका एक्रेलिक से। तो मैंने हनी अपना पेट्रोलियम जेली के लिए डिफरेंट कलर चूज़ किया है एंड अपने हनी के लिए, हनी जार के लिए डिफरेंट कलर चूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कलर इसमें चूज़ कर सकते हैं। एंड हमारे पास ये इतने सारे बॉक्सेस होते हैं, यूटिलिटी बॉक्सेस, जार्स होते हैं क्रीम्स के और शैम्पू के, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास आते हैं, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपने होम डेकोर में। जैसे लाइक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ रिसाइकल्ड करके। अब नाउ मैं इसमें अपना बेस कोट कर रही हूँ। एंड फ्रेंड, दिस टाइम मैंने इसमें ब्रश नहीं यूज़ करके, मैं इसको सिंपली आपका स्पंज से टैप कर रही हूँ। मुझे फर्स्टली मुझे ये वाला पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। इसकी जो फिनिशिंग होती है ना, वो ब्रश से आपका टोटली डिफरेंट आती है आपका टैपिंग की। इसमें मैंने फ्लोरोसेंट येलो कलर इसमें मैंने लिया है नियॉन में। And I like neon colors. They are so bright. Now मैं अपने जार को अपना कलर से फुली आपका कवर कर रही हूँ। अपना लाइट हैंड से हम अपना टैपिंग करते रहेंगे अपने कलर की जार पे। एंड फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपके 2 coat अप्लाई किए हैं, बट अगर आपको 1 coat भी आप इसमें कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा और ब्राइट चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें आफ्टर ड्राई 1st coat मैंने 2nd coat भी इसमें अप्लाई किया है। मेरा जार है ये ड्राई हो गया है। अब नाउ 2nd step, मैं इसमें अपना पैटर्न ड्रॉ करूँगी। मुझे ये प्लेन भी अच्छा लग रहा है, इसको प्लेन भी आप इसको रख सकते हैं, बट मैं इसमें अपना एक लीफ पैटर्न, एक स्मॉल पैटर्न मैंने इसमें अपना मैं बनाऊँगी। एज़ यू कैन सी, मैंने इसमें बहुत ही सिंपल एक पैटर्न मैंने इसमें बनाया है।
जार है जिसमें मैंने कोट किया था, ये अब आपका ड्राई हो गया। इनफैक्ट मैंने इस पर पैटर्न भी आपका ड्रॉ किया था, मैं विक्ट्री साइन एक्चुअली ड्रॉ कर रही थी, तो इस साइड तो मेरा ये विक्ट्री साइन इतना अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ, बट डोंट वरी, हम यहाँ पे ना इस साइड अपना कुछ मैग्नेट लगा देंगे, तो ये साइड हमें नहीं चाहिए, हम अपना ये वाली साइड लेंगे, बिकॉज ये वाली साइड पे मेरा जो विक्ट्री साइन है वो मैंने क्वाइट अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लिया है आपका। अब नाउ मैं ये जो 3D आउटलाइनर्स हैं इनसे मैं इसको फिल करूँगी आपका 3D आउटलाइनर से। चलो लेट्स डू, ट्राई करते हैं हम इसको ना। वैसलीन जार नाउ रेडी है, मेरा विक्ट्री साइन आपका सिंबल ऑफ पीस, तो मैंने इसमें आपका पीस भी मैंने इसमें लिखा, आप अल्फाबेटिकली इसमें आप कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं, मैंने इसमें सिंपली आपका इसमें पीस मेंशन किया है, और ये वाला मेरा आपका मैंने वन साइड इसमें लव यू लॉर्ड्स, सेकंड साइड इसमें लव यू जिन की, एंड फ्रंट में मैंने इसमें अपनी लीफ पैटर्न इसमें मैंने अपना बनाया था, ये मैंने अपना एक्रेलिक कलर से, एंड बाकी मैंने 3D आउटलाइनर से मैंने यूज़ किया है, ब्लैक येलो 3D आउटलाइनर फेविक्रिल का मैंने इसमें यूज़ किया है। नाउ मैं इसका जो ये टॉप पार्ट है जार की, इसको मैं कवरअप कर लूँगी अपने जूट से विद द हेल्प ऑफ फेविकॉन, इसमें हम अपने टॉप पे अपना जूट लगा लेंगे। जो ईजली आपका किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट या स्टेशनरी शॉप पे आपकी दिस काइंड ऑफ मैग्नेट आपकी अवेलेबल आपके आराम से मिल जाती हैं, आप इनको ले सकते हो। अब नाउ मैं इसमें जस्ट फॉर अपनी सेफ्टी के लिए मैं इसमें 2-2 लगा रही हूँ, वैसे तो इसमें 1 भी गुड इनफ है, बट मैं थोड़ा सा क्योंकि हमारा ग्लास है इसलिए थोड़ा सा और एडिशनल इसमें मैं ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ, सी एंड इसमें हमारा अब नाउ इसमें वाटर से अपना बाल तरीके मनी प्लांट मुझे कुछ भी अगर मेंशन करना है तो मैं अपने नोटपैड में अपना लिख सकती हूँ। तो हमारा फाइनली फ्रिज मैग्नेट्स हमारे आपका एम्प्टी जार से मेरी डन हो गई है। आई होप यू लाइक माय वर्क, एंड इफ़ यू लाइक देन लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपके पास भी कुछ अपने ऐसे सिंपल DIY आइडियाज़ हैं तो फ्रेंड शेयर विद मी, DM मी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलती हूँ आपको अपने कुछ और सिंपल DIY वर्क के साथ। टिल बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वर्क।